वेलकम बैक माई YouTube चैनल उमर इलेक्ट्रिक। सबसे पहले काइंडली आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल उमर इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और वीडियो देखने के बाद जो है कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। पिछली वीडियो में हमें एक भाई ने मैसेज किया है ये कि डबल पोल ब्रेकर जो है मेन उसके कनेक्शन किस तरह से किए जाते हैं, तो आपको हम बताते हैं कि मेन ब्रेकर जो डबल पोल है उसके किस तरह से कनेक्शन किए जाते हैं। ये आपके सामने जो है एक डबल पोल ब्रेकर है जिसे मेन ब्रेकर कहते हैं, ठीक है। तो इसके सादा से कनेक्शन होते हैं, आपको हम बताते हैं कि मेन जो न्यूट्रल फेज वापडा की है जो आ रही है, मतलब मीटर से डायरेक्ट जो आ रही है, आप इसको एक इसके साथ नीचे से यहाँ पे कनेक्शन करें न्यूट्रल का और यहाँ पे आप फेज़ का कर दें। यहाँ पे आपका न्यूट्रल और फेज़ का जो है कनेक्शन हो चुका है, तो आगे जो है इसकी आउटपुट किस तरह निकालनी है बहुत ही सादा और आसान तरीका है। अगर आपने यहाँ पर न्यूट्रल लगाई है इनर और यहाँ पे लगाया फेज़ इनर, तो यहाँ पे आप जो है उसी ब्रेकर वाले ऊपर वाले पोल से आप फेज़ जो है आउटपुट निकाल लें और यहाँ से न्यूट्रल निकाल लें। और ये इतना सा कनेक्शन है और आसान कनेक्शन है। तो इसके मुतलक अगर और कोई भी मालूमात आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट का इजहार करें और उसके मुतलक जो है आगे नेक्स्ट वीडियो आपको जो है बना के बता दी जाएगी। तो इस तरह से ये मेन ब्रेकर था, इसके इस तरह से आसानी से कनेक्शन कर लिए जाते हैं। सर्किट ब्रेकर जो होता है उसमें ये सिंगल जो है न्यूट्रल या फेज़ जो है इंस्टॉल की जाती है, इनर और आउटर को जो है ले लिया जाता है, इसी तरह से वो रूम चल जाता है। इसी तरह से ये जो मेन ब्रेकर होता है इसको नीचे वाले पोल से न्यूट्रल फेज़ इन करें और ऊपर से न्यूट्रल फेज़ जो है अपना आउटपुट कर लें। तो इस तरह के मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को देखते रहिए।